नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 8 नवंबर को मनाया जा रहा है। सिख धर्म के मानने वालों के लिए ये जयंती काफी खास होती है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ये पर्व कैसे मनाया जाता है। दरअसल गुरु नानक जयंती को श्री गुरु नानक देव जी के सम्मान में मनाते हैं। भक्त प्रार्थना करने और आनंद लेने के लिए उनके जन्म स्थान नानकाना साहिब जाते हैं। देश भर में गुरुद्वारों को सजाया जाता है और बड़ी संख्या में सिख भक्तों को आकर्षित करते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं और इसलिए उनकी जयंती सिख समुदाय के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे अपने घर पर गुरु पर्व मनाएं, अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें गुरु नानक जयंती मनाने के पीछे की कहानी बताएं। अपने और अपने बच्चों को नए पारंपरिक कपड़े पहनाएं और गुरुद्वारा साहिब में अरदास करें। गुरु पर्व के दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पुस्तक के छंदों और भजनों का पाठ करें। अपने बच्चों को शामिल करें और उन्हें अनिवार्य करह प्रसाद के साथ विशेष त्योहार व्यंजन तैयार करने और अपने इलाके में पड़ोसियों के बीच वितरित करने में मदद करने के लिए कहें। आप घर के लिए दिलचस्प सजावट विचारों के साथ बच्चों को अपने घर को रोशन करने के लिए भी शामिल कर सकते हैं। गुरु नानक जयंती सजावट के विचारों में रोशनी, मिट्टी के दीपक, दिए और मोमबत्तियाँ शामिल होती हैं। वहीं श्री नानक देव जी की स्तुति में शब्द गाना इस शुभ दिन पर मुख्य अनुष्ठानों में से एक है। भक्त इस अवसर पर खुशी मनाते हैं और अपने भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए अपने घरों और गुरुद्वारों में शब्द गाते हैं और कीर्तन करते हैं। कई लोग इस अवसर को मनाने के लिए अपने घरों में अखंड पाठ करते हैं। वो अपने दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों को उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं इस दिन प्रभात फेरी का भी विशेष महत्व है। प्रभात फेरी सिर्फ श्री हरमिंदर साहिब में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी निकाली जाती है, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित विभिन्न गुरुद्वारों की गुरुद्वारा समिति प्रभात फेरी की व्यवस्था करती है, जो आमतौर पर संबंधित गुरुद्वारे से शुरू होती है और शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी शुरुआती बिंदु पर समाप्त होती है। इसके अलावा गुरु नानक जयंती के इस पवित्र अवसर पर सिख समुदाय के लोग अलग अलग स्थानों पर लंगर भी करते हैं। इन लंगरों में शुद्ध शाकाहारी भोजन जैसे कड़ी चावल, पूरी आलू, दाल रोटी और खीर बांटी जाती है। बहुत से लोग अनाथालयों में भी बच्चों को भोजन और मिठाइयाँ बांटने जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।